अस्सलाम वालेकुम बरकात। मैं मोहम्मद जाफर इस्माइल पवई से बात कर रहा हूँ और मेरा एक सवाल है कि बकरीद का ईद उल अजहा का महीना चालू हो गया है इंशाअल्लाह ताला, और उसमें बकरा जो है बहुत से लोगों ने लॉटरी के हिसाब से, मतलब वो बकरा जिसके नाम से उठेगा तो वो बकरा उसको फ्री दे दिया जाएगा। तो ये बकरा अगर किसी को मिलता है और वो ज़िबा करता है अल्लाह के नाम पर, कुर्बानी देता है, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? दूसरी बात, अगर जिसको मिलता है ये और अगर वो पूरे उम्मत मुस्लिमा पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर वो कुर्बानी देता है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इन बातों का तफसीली आप मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि ये शायद कल इस बकरे के ऊपर लॉटरी निकलने वाली है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपके जवाब का हम इंतज़ार करेंगे। अल्लाह आपको और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मोहम्मद जाफ़र भाई हैं, इनका सवाल ये है कि कोई बकरा लॉटरी से पता नहीं कैसे ये लेने वाले हैं, यानी किसी के नाम से निकल जाएगा, तो अब पूछ रहे हैं कि वो कुर्बानी कर सकता कि नहीं। अब पूरा तरीक़ेकार क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर इसमें जुए वगैरह की कोई बात है तब तो बिल्कुल इसकी कुर्बानी हो सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है पाक है और सिर्फ पाक चीज़ ही कबूल करता है। तो अगर जो हराम और नाजायज़ चीज़ें हैं तो उस से तकर्रुब हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। तो कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि हलाल जानवर हो, जायज़ तरीके से आपने ख़रीदा हो। ये लॉटरी या जुआ इस कबील की अगर कोई रास्ता हो जानवर हासिल करने का, तो फिर आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, यानी हलाल तरीके से आपने लिया हो, यानी उस ख़रीदो फरोख्त में जो तरीका आपने अपनाया हो वो हलाल हो, उसमें हराम तरीका ना हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि इस जानवर की कुर्बानी सबकी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, उम्मत की तरफ से कर सकते कि नहीं। तो देखिए, पूरी कौम की तरफ से या पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा शख्स नबी नहीं है, उसके पास कोई उम्मत नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तो आप नबी थे, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि किसी फ़र्द की तरफ से कर सकते हैं, कोई ज़िंदा शख्स है आपका, कोई रिश्तेदार है आपके परिवार में कोई है, या आप पास पड़ोस में कहीं भी है, तो उसकी तरफ से आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि पूरी कौम की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से करना, तो ये नबी का खासा है, गैर नबी ऐसा नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मोहम्मद जाफर इस्माइल पवई से बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि नए दूल्हा दुल्हन के लिए इंग्लिश में एक किताब, दो किताब चाहिए, लड़का के लिए अलग, लड़की के लिए अलग। तो इस किताब को हासिल करने के लिए प्लीज़ मुझे रहनुमाई कीजिए कि कहाँ से मिल सकेगी, और जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये मोहम्मद जाफ़र साहब हैं वही जिनका अभी सवाल आया था, ये किसी दो किताब के बारे में पता करें कि कहाँ से मिलेगी। तो भाई साहब, आप किसी मकतबे में जाइए और वहाँ मालूम कीजिए। ये तो कोई दीनी सवाल व जवाब के लिए ये नंबर है कि यहाँ पे कोई शरई मसला पूछना है तो आप पूछिए। बाकी कौन सी किताब कहाँ मिल रही है तो इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। आप किसी मकतबा के पास जाइए, किसी दुकान पे जाइए जहाँ किताबें फरोख्त की जाती हैं, तो वो लोग बता सकेंगे कि ये किताब कहाँ मिलती है, वरना कोई भी आलिम नहीं बता सकता कौन सी किताब कहाँ मिलती है। बस इतना कह सकते हैं मकतबे मिलती है। उस चीज़ की जानकारी उलमा के पास नहीं होती है, जो किताबों का कारोबार करते हैं उनके पास होती है। तो जो किताब बेचते हैं उनसे मालूमात कीजिए। हमारे यहाँ कुल्ला अशोक नगर वेस्ट में मौलाना हफीज़ुल्ला साहब हैं, जो बहुत ज़माने से किताबों का कारोबार करते हैं। तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें, इनसे मिलना चाहें, तो इंशाल्लाह ये हो सकता है आपको रहनुमाई कर दें। बाकी हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है।